हेलो मेडिकोज, वेलकम टू मेडिक टॉक्स। तो आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं, ब्लड ग्रुप की सिस्टम क्या है, इसे डिटरमाइन कैसे करते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो लैंडस्टेनर ने AD में ऐसा कहा था कि ब्लड ऑफ वन पर्सन मे नॉट मैच विद द ब्लड ऑफ अदर पर्सन, यानी कि एक पर्सन का ब्लड जो है वो दूसरे इंसान से मैच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। उसने ये ढूंढा कि हमारे जो RBCs हैं, इन RBCs पे पर्टिकुलर एग्लूटिनोजन है। एग्लूटिनोजन आज की मॉडर्न लैंग्वेज में कहे तो एंटीजन। तो कौन कौन से है ये एंटीजन? तो ये एंटीजन है A और B। तो लैंडस्टेनर ने ऐसा ढूंढा कि बहुत सारे लोगों में एंटीजन ए होता है आरबीसीज पे, बहुत सारे लोगों के आरबीसीज पे एंटीजन बी होता है, बहुत सारे लोगों के आरबीसीज पे दोनों एंटीजन होते हैं और बहुत सारे लोगों के आरबीसीज पे कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो इस प्रकार से उसने 4 ब्लड ग्रुप्स फाइंड किए। तो कौन कौन से थे ये 4 ब्लड ग्रुप? सो दीज आर AB and O। ओके, ऑन द प्रेजेंस ऑफ द एग्लूटिनोजन और एंटीजन ही नेम्ड और गेव 4 ब्लड ग्रुप्स और इस सिस्टम को उसने नाम दिया AB O ब्लड ग्रुपिंग। AB O ब्लड ग्रुपिंग। तो AB O ब्लड ग्रुपिंग के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। नाउ, तो ये जो ए और बी, AB, ये दोनों एंटीजन जो है या एग्लूटिनोजन है वो आरबीसीज पे प्रेजेंट होते हैं। उसने ये ढूंढा कि पर्टिकुलर एग्लूटिनिन या एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ द सेम पर्सन, और इसके हिसाब से उसने एक लॉ दिया है। सबसे पहले उसने ढूंढा कि आरबीसीज पे पर्टिकुलर एंटीजन होता है, उसके बाद उसने फाउंड किया कि प्लाज्मा में सर्टेन एग्लूटिनिन या एंटीबॉडीज होते हैं। नाउ, तो ये एंटीबॉडीज कौन कौन से है? तो ये है AntiA, AntiB, AntiAB or none। ओके, तो इसके हिसाब से उन्होंने एक लॉ दिया है जिसको हम कहते हैं लैंडस्टेनर्स लॉ। तो ये लैंडस्टेनर्स लॉ क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ अ पर्टिकुलर एग्लूटिनोजन इज प्रेजेंट ऑन आरबीसीज द करस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन मस्ट बी एब्सेंट इन प्लाज्मा। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एग्लूटिनोजन ए आरबीसी पे प्रेजेंट है तो एंटी ए जो है वो प्लाज्मा में नहीं होना चाहिए। अगर बी आरबीसी पर है, एंटी बी एंटीजन आरबीसी पर है, तो एंटी बी जो है वो प्लाज्मा में नहीं होना चाहिए। सिमिलरली, अगर कोई पर्टिकुलर एग्लूटिनिन प्लाज्मा में प्रेजेंट है
इफ पर्टिकुलर एग्लूटिनिन और एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा द कोरस्पॉन्डिंग एग्लूटिनोजन मस्ट बी एब्सेंट इन आरबीसीज. ओके, कोरस्पॉन्डिंग एग्लूटिनोजन और एंटीजन मस्ट बी एब्सेंट इन द आरबीसीज. सो इससे हम क्या इन्फर कर सकते हैं, एंटीजन ए एंड एंटी ए कैन नॉट रिमेन टूगेदर. अगर ये दोनों साथ में आए तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन होगा, जिसको हम कहते हैं क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज. सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एंटीजन ए एंड एंटी ए कैन नॉट रिमेन टूगेदर. अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन होगा और क्लंपिंग ऑफ आरबीसीज होगा. इसी हिसाब से बी और एंटी बी भी साथ में नहीं होने चाहिए, बी और एंटी बी भी साथ में नहीं होने चाहिए. तो अब ये सिस्टम कैसे दी है हमारी बॉडी में वो हम देखते हैं. सो एंटीजन एंड एंटीबॉडी, अगर कोई पर्सन के ब्लड में एंटीजन ए है तो उसके प्लाज्मा में एंटी बी होगा. अगर उसके ब्लड में आरबीसी में एंटीजन बी है तो प्लाज्मा में एंटी ए होगा. अगर उसके ब्लड के आरबीसी में दोनों एंटीजन यानी कि ए बी है तो उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा. और अगर उसके ब्लड के आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसके प्लाज्मा में एंटी ए एंड एंटी बी ये दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी. जब भी कोई एक पर्सन के ब्लड को दूसरे पर्सन को ट्रांसफ्यूज किया जाता है, एक पर्सन के ब्लड को दूसरे पर्सन में ट्रांसफ्यूज किया जाता है, तब डोनर सेल्स यानी कि जो पर्सन ब्लड दे रहा है उसके सेल और रेसिपिएंट यानी कि जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है उस रेसिपिएंट के प्लाज्मा के बीच में प्रोसेस होती है. तो इसी वजह से हम बिना चेक किए किसी एक पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन को नहीं दे सकते. तो अकॉर्डिंग टू दिस ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम द पर्सन हु इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए कैन डोनेट ब्लड टू द पर्सन हु इज हैविंग ब्लड ग्रुप ए एंड ए बी. द पर्सन हु इज हैविंग ब्लड ग्रुप बी कैन डोनेट ब्लड टू पर्सन हु इज हैविंग ब्लड ग्रुप बी एंड ए बी. देन जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है, अभी ओ में एंटी ए एंड एंटी बी दोनों प्रेजेंट है, लेकिन हमने देखा कि आरबीसी के एंटीजन डोनर के और रेसिपिएंट के प्लाज्मा के बीच में प्रक्रिया होती है. अभी ओ वाले ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट में एंटीजन नहीं होगा तो ओ वाला जो पेशेंट है वो ए वाले ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को, बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को, ए बी वाले को और ओ वाले को, सभी को ही कैन डोनेट ब्लड. और ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन जो है ही कैन डोनेट ओनली टू ए बी ब्लड ग्रुप पेशेंट. सो इसके हिसाब से हम यहां देख सकते हैं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है वो सभी से ब्लड ले सकता है. तो इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट को हम कहते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट. और ओ ग्रुप वाला जो पर्सन है वो सभी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को अपना ब्लड दे सकता है, इसीलिए हम उसको कह सकते हैं यूनिवर्सल
डॉनर, यूनिवर्सल डॉनर। तो अब हम देखेंगे कि ब्लड ग्रुप को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ब्लड ग्रुप। नाउ तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें कौन कौन सी चीज चाहिए? तो एंटी सीरम ए विच कंटेन्स एंटी ए, एंटी सीरम बी विच कंटेन्स एंटी बी एंड पर्संस सस्पेंशन ऑफ आरबीसी, यानी कि जिस पर्सन का हमें ब्लड ग्रुप निकालना है, ब्लड ग्रुप ढूंढना है, उसका ब्लड सैंपल। नाउ तो प्रोसीजर क्या रहती है? तो प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, एक ग्लास स्लाइड पर, एक ग्लास स्लाइड लेते हैं, उसके दो एंड पे एंड है, एक एंड पे एंटी ए रखते हैं और दूसरे एंड पे हम एंटी बी सीरम रखते हैं। ओके, नाउ ग्लास स्लाइड ली हमने, उसके एक एंड पे एंटी ए वाला एंटी सीरम है और दूसरे एंड पे एंटी बी वाला एंटी सीरम है। अब हम क्या करेंगे, जिस पर्सन का हमें ब्लड ग्रुप ढूंढना है उसका ब्लड हम लेंगे और इन दोनों से मिक्स हो उस तरह से ये दोनों एंड पे रखेंगे। हम क्या करेंगे कि पर्सन का ब्लड लेंगे और इन दोनों सैंपल के साथ मिक्स करेंगे और उसके बाद हम रिजल्ट देखेंगे। ना तो रिजल्ट हम कैसे डिसाइड करेंगे? नंबर वन, इफ एग्लूटिनेशन अकर्स एट एंटी ए, एंटी ए पे अगर एग्लूटिनेशन होता है, बी पे नहीं होता, तो हम जानते हैं कि एंटी ए वाले सीरम में एंटी ए है। अगर आरबीसी में एंटीजन ए होगा, ए एंटीजन होगा, तो ही एग्लूटिनेशन होगा। आरबीसी में एंटीजन ए होगा तो ही एग्लूटिनेशन होगा। सो वी कैन कंक्लूड द ब्लड ग्रुप इज ए। नाउ इफ एग्लूटिनेशन अकर्स ऑन एंटी बी ओनली, तो हम जानते हैं कि एंटी बी सीरम कंटेन्स एंटी बी एंटीबॉडी। नाउ इफ रिएक्शन अकर्स हियर, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आरबीसी पे एंटीजन बी होगा, दैट मीन्स द ब्लड ग्रुप विल बी बी। नाउ इफ एग्लूटिनेशन अकर्स ऑन बोथ साइड एंटी ए एज वेल एज एंटी बी, दैट मीन्स आरबीसी मस्ट कंटेन एंटीजन ए एज वेल एज एंटीजन बी, देयर फॉर द ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। एंड इफ एग्लूटिनेशन डज नॉट अकर, दैट मीन्स आरबीसीज डू नॉट हैव एनी एंटीजन, सो द ब्लड ग्रुप विल बी ओ। फिर से एक बार, अगर एंटी ए वाले सीरम में प्रक्रिया होती है तो ए ब्लड ग्रुप, एंटी बी वाले सीरम में प्रक्रिया होती है तो बी ब्लड ग्रुप, दोनों में प्रक्रिया होती है तो ए बी, दोनों में प्रक्रिया नहीं होती है, एग्लूटिनेशन अगर नहीं होता है तो ब्लड ग्रुप विल बी ओ। सो दिस इज द मेथड टू डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस ब्लड ग्रुप इज RH factor, RH factor. So, फिर से एक बार, Landsteiner and Wiener, इन दोनों ने ये RH factor ढूंढा था। सबसे पहले RH factor रीसस मंकी में
फाइंड हुआ था, इसीलिए इसका नाम दिया गया आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर के बारे में 1940 एडी में हमें इंफॉर्मेशन मिली। नाउ सो कौन आरएच फैक्टर में 6 प्रकार के एग्लूटिनोजन होते हैं। कौन कौन से है ये है? कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई एंड स्मॉल ई। ये 6 एग्लूटिनोजन को इस तरह से नाम दिए गए हुए हैं। अगर ये कैपिटल डी वाला एग्लूटिनोजन पर्संस के ब्लड में प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं आरएच पॉजिटिव, और अगर ये डी एग्लूटिनोजन इज एब्सेंट दैट पर्सन इज नोन एज आरएच नेगेटिव। नाउ 6 टाइप्स ऑफ आरएच एग्लूटिनोजन्स, दे आर गिवन नेम्स लाइक कैपिटल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई। इफ द पर्सन इज हैविंग दिस कैपिटल डी इन हिज ब्लड, इट इज नोन एज आरएच पॉजिटिव, एंड इफ इट डज नॉट हैव दिस कैपिटल डी एग्लूटिनोजन, इट इज नोन एज आरएच नेगेटिव। नाउ आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव वाले पर्सन में एंटी डी एंटीबॉडी नहीं होता है, एंटी डी एंटीबॉडी नहीं होता है। ना इसका इंपॉर्टेंस क्या है, आरएच फैक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ आरएच फैक्टर। नाउ इफ द पर्सन इज आरएच नेगेटिव एंड इफ दिस पर्सन इज गिवन आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, तो क्या होगा, इस पर्सन में एंटी डी एंटीबॉडी विल बी प्रेजेंट आफ्टर 3 weeks ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आफ्टर 3 weeks ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ये तो पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऐसा हुआ उसमें कोई भी प्रॉब्लम कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा, लेकिन अगर फिर से ये आरएच नेगेटिव वाले पेशेंट को आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप हमने दिया तो क्या होगा, देयर विल बी रिएक्शन बिटवीन दिस एंटी डी एंड आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ओके, देयर विल बी रिएक्शन बिटवीन दिस एंटी डी एंड आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। So this is the importance number one. Now second and most important, if the female is of RH negative blood group and her fetus is of RH positive blood group, so what happens at the time of delivery, blood of mother and blood of infant get mixed and anti D will be developed in mother's blood, in mother's blood। अब anti D at the time of delivery उसके बाद ही वो develop होते हैं, तो first pregnancy में कोई problem नहीं होगी, लेकिन अगर second pregnancy में भी जो फीटस है वो आरएच पॉजिटिव हुआ तो मदर के एंटी डी एंटीबॉडी के साथ उसका रिएक्शन होगा फिर से एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड देयर विल बी अ रिएक्शन, देयर विल बी अ रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, कि जिसकी वजह से जो फीटस है जो अभी जन्मा हुआ है उसमें जॉन्डिस हम देख सकते हैं, जॉन्डिस की कंडीशन हम देख सकते हैं। सो स्क्रीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी प्रेग्नेंट फीमेल इज वेरी नेसेसरी। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है फीमेल आरएच नेगेटिव है एंड फीटस आरएच पॉजिटिव है तो हम फीमेल को हाई डोजेस ऑफ एंटी डी देते हैं, एंटी डी देते हैं। वो क्या करेगा कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी
इट विल रिएक्ट विथ दिस आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंड विल नॉट अलाउ एंटीडी टू डेवलप इन मदर्स ब्लड. सो दिस आर द इंपॉर्टेंस ऑफ आरएच फैक्टर. दिस आर द इंपॉर्टेंस ऑफ आरएच फैक्टर. इसके अलावा भी बहुत सारे ब्लड ग्रुप है, एम एन एस पी. ये सारे जो ब्लड ग्रुप है वो पैटर्निटी टेस्ट के लिए यूजफुल होते हैं. ब्लड ग्रुप हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी हेल्प करते हैं. इसके अलावा हमें एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी में भी हेल्प करते हैं. नाउ अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में हम थोड़ा जानते हैं. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब भी करना हो तो हमें ब्लड ग्रुपिंग कराना चाहिए. क्रॉस मैचिंग ऑफ डोनर्स प्लाज्मा, डोनर्स आरबीसी, रेसिपिएंट प्लाज्मा एंड रेसिपिएंट आरबीसी हमें कराना चाहिए. नाउ ब्लड की प्रॉपर जांच होनी चाहिए. जो भी पर्सन ब्लड देता है उसके ब्लड की अच्छी तरह से जांच हुई होनी चाहिए. जैसे कि HIV या एड्स वाला पेशेंट या पेशेंट वो कंटेन्स ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, ये टेस्ट होना चाहिए. इसके अलावा पेशेंट्स हैविंग इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक मलेरिया, सिफिलिस, इनकी भी जांच होनी चाहिए. कई बार क्या होता है कि पेशेंट अल्कोहलिक होता है तो अल्कोहलिक पर्सन का ब्लड नहीं लेना चाहिए. इसके अलावा कोई पेशेंट अगर इन्फेक्शन से सफर करता हो तो उसका ब्लड जो है वो पायरोजन कंटेन करता है तो उसका भी ब्लड नहीं लेना चाहिए. तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडिक टॉक्स. थैंक यू वेरी मच.